अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे और उसके साथ साथ अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं और वो टॉपिक है मीज़ोथेरेपी। मीज़ोथेरेपी का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, सुना भी जाता है और समझ भी, आई थिंक कुछ आइडिया जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली होगा। लेकिन आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं मीज़ोथेरेपी पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि सर्दियों का मौसम आते ही कुछ लोगों की स्किन क्योंकि पहले ही इतनी ड्राई होती है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लगती है और कुछ समझ में नहीं आता कि इसको कवर हमने कैसे करना है, क्या चीज़ लगाएं तो ये बार बार ड्राई ना हो। बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स भी लगा लें तो उनकी एक कैपेसिटी होती है और वो स्किन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को उस तरह से बढ़ा नहीं सकते या उस तरह से सस्टेन नहीं रख सकते जिस तरह की स्किन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है कि हम मीज़ोथेरेपी करें। मीज़ोथेरेपी सिंपलेस्ट प्रोसीजर ऑन द अर्थ, आई मस्ट से कि सिंपलेस्ट प्रोसीजर है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसीजर्स। होता क्या है कि हम जो भी मेडिसिन हम देना चाहते हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड को मोस्टली यूज़ किया जाता है जब एक्सट्रीम ड्राई स्किन होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसको नीडल में भर लेते हैं, सिरिंज में भर लेते हैं और नीडल के थ्रू उसको डिलीवर कर दिया जाता है। बहुत छोटे छोटे प्रिक्स और छोटे छोटे डिस्टेंस के ऊपर प्रिक्स देते जाते हैं और जो मेडिसिन होती है या जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसको इंजेक्ट करते जाते हैं। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो ये होता है कि इटसेल्फ हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपके स्किन के डीपर लेयर में पहुंचा दिया जाता है और डीपर लेयर्स में जाने की वजह से आपकी स्किन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बेहतर हो जाती है। सेकेंडली, इसका अपना एक रिज़ल्ट होता है कि आपकी स्किन आपको पहले से प्लम्पर लगेगी और विदर्ड नहीं रहेगी, ड्राई नहीं लगेगी और उसके साथ साथ रूखी और बेरौनक नहीं लगेगी। मीज़ोथेरेपी वैसे तो बहुत डिफरेंट सारे इंडिकेशंस के लिए किया जाता है, जैसे पिगमेंटेशन में भी किया जाता है, उसके अलावा स्किन को वाइट करने के लिए या ब्राइटन अप करने के लिए, कॉम्प्लेक्शन को या टोन को, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इस वक्त जिस पर हमने बात की है वो हमने बात की है स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, स्किन का मॉइस्चर और हाइड्रेशन पूरा रखने के लिए। और ये सिर्फ हम फेस के ऊपर नहीं करते या कर सकते बल्कि हम इसको नेक पे भी कर सकते हैं और जी हाँ, हम इसको हैंड्स पे भी कर सकते हैं क्योंकि हैंड्स की स्किन भी बहुत सारे लोगों की एज के साथ, टाइम के साथ बहुत ड्राई रहना शुरू हो जाती है और उससे बहुत इशू आना शुरू हो जाता है कि वो बार बार भी मॉइस्चराइज करते हैं तो स्किन आपको इतनी अच्छी नहीं लगती है और वो वाटर को होल्ड नहीं करती है, हाइड्रेटेड रहती नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इस ट्रीटमेंट के लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी डिटेल्स चाहिए, उन सब का पता करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे नंबर्स जो नीचे डिस्प्ले में होते हैं उन पे कॉल करके आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड, ग्लोई, प्लम्पर और उसके साथ साथ यंग रख सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।